गुरदासपुर के केंद्रीय जेल के समक्ष इस खुशी में श्रोमणी अकाली दल के जिला प्रधान और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुच्चा सिंह लंगा अपने वर्करों और नेताओं सहित पहुंचे। इस अवसर पर जत्थेदार सुच्चा सिंह लंगा ने कहा कि यह लड़ाई झगड़ा एक बीरो नाम की औरत से शुरू हुआ था, क्योंकि गांव के ही कुछ कांग्रेसी समर्थक फकीर सिंह और उनके परिवार द्वारा बीरो और भजन सिंह पर सियासी रंजिश तहत गोलियां चलाई थी। कुलवंत सिंह गांव का सरपंच होने के कारण दोनों को बचाने के लिए आगे आया था, तो दूसरे धिर ने उनके ऊपर भी गोलियां चला दी, पर पुलिस ने बीरो और भजन सिंह की नहीं सुनी। उल्टा फकीर सिंह के बयानों पर कुलवंत सिंह और उसके दोनों बेटों पर मामला दर्ज कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि मान्यों हाई कोर्ट द्वारा दिए फैसले से वह संतुष्ट हैं और पूरी श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप के साथ इस वर्कर को लेने गुरदासपुर आए हैं। जेल से रिहा होकर बाहर आए कुलवंत सिंह को सुच्चा सिंह लंगा, परमवीर लाडी, रमनदीप सिंह संधू और अन्य वर्करों ने हार पहनाकर स्वागत किया। श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद के नारे लगाए और वर्करों को लेकर रवाना हो गए। सरदार कुलवंत सिंह अगवान है, साबका चेयरमैन और लंबे समय तो पिंड का सरपंच बनता आ रहा वा। अफसोस है, दुख है कि ए 307 का कांग्रेस पार्टी ने डेरे बाबे नानक के हल्के इन्होंने परचा कर दिता सीगा। तकरीबन एक तो डेढ़ महीने तक के जेल दे विच रहे ने, अज रिहा होके बाहर आए ने जमानती, और आज ठाठा मारदा कट जिहड़ा अकाली दल दे वर्करां दा वो इन्हां दा स्वागत करन वास्ते आया। असीं अपील करने आ पंजाब दे लोकां नूं कि इस जुल्म दे खिलाफ लामबंद होवो। जिहड़ा इह बेइंसाफियां कर रहा, धक्के कर रहा, गुंडागर्दी कर रहा, खास करके डेरा बाबा नानक विच नाले लोकां नूं मारदे ने, फिर उन्हां नूं हस्पताल विच दाखल नहीं होण दिंदे, फिर उन्हां दे थाणियां च कोई सुनवाई नहीं गी, और उल्ट उन्हां नूं थाणियां विच बिठा के घसीटिया जांदा, और दर्जना पिंड ने जिथे कणकां अजे भी डक्कियां होईयां ने, जद्दी कणक जद्दी जमीन दे विच पड्डे कण सी, मैं खुद जाके उथे बह के वर्करां ने वहा के आए ने। इसे तरह बसंत कोट पिंड आ, जिथों दी पंचायत ने पटा कट्टिया, रसीद दित्ती, कणक खलोती होई है, पुलिस वाले कहिंदे असीं नहीं डक्की होई, लेकिन गुंडेगर्दे अगे गुंडे लाते ने, उन्हां नूं वड्डण नहीं दिंदी। जिद्दण वड्डण गए उत्थे कोई वड्डा खून खराबा होना जिहड़ा सरकार ने फड़ के साडे बंदिआं नूं अंदर दे देणा। मैं समझना जंगल दा राज आ, और इहदे विच पंजाब दे लोकां नूं लामबंद होना चाहीदा वा। असीं इसे तरह इस जिले नूं लामबंद करके इस जुल्म दे खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करांगे और इंसाफ दी मंग करांगे। भगवान पिंड दा सरपंच और सरकार प्रधान मेरे पिंड दे विच एक साडी अकाली पार्टी दा वर्कर सीगा, ओह बेचारा दर्जी दी दुकान करदा सी, ओहदी दर्जी दी दुकान दे उत्ते इन्हां ने गुंडे दातर दे के ओहदे मगर पाए, ओह दौड़ के मेरे घर वड़ गया। मेरे घर जिवें वड़िया ते मैं जा के उत्थे साबका सरपंच जी कांग्रेस दा ओहदे कोल मैं गया, मैं ओह शर्म करो ਸਾਡੀ 500 ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦਾਤਰ ਲੈਣਾ ਚੜ੍ਹ ਲਏ ਹੋ, ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਬੜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਅਰੇ ਬੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੱਢਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲਿਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਹਟਣਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਫਲਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਆਪੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨਾ, ਆਪੇ ਫੈਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਆ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਹਮ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਡੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਫੈਲ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8-10, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੰਗਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਹੇਮੰਦ ਨੰਦਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਸ ਕੇ ਲੀਏ।